आज एक क्रांतिकारी दिवस है, सामाजिक क्रांति का दिवस है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को न्याय देने की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में जो 56 साल में नहीं हुआ, यानी कांग्रेस का 56 साल राज था, उन्होंने बार बार कहा करेंगे लेकिन नहीं हुआ, 56 साल में जो नहीं हुआ हमने 56 महीने में करके दिखाया। ना कहीं एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है, 4.5 साल तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया और एक जिस तरह से एसटीएससी बिल को मतलब जिस तरह से इन लोगों ने लाया और जो अपर कास्ट के जो सवर्ण है उनको एक तरह से जुमला और एक झुंझुना इस तरह का झुंझुना दे दिया है जिसके अंदर वो बजने वाला दाना नहीं है, खाली झुंझुना दे दिया है जो हिलेगा लेकिन आवाज नहीं करेगा। आरजेडी ने इसका विरोध किया है। हम चाहते हैं कि देश में जितनी भी जातियां हैं, जातिगत जनगणना कराया हुआ है अगर संसद सरकार ने तो उसको जाहिर करे और जिसका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार मिले। और मैं तो आपको ये बता दूं कि हमारे नेता ने 2015 में ही विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी तो उस समय ही आगाह किया था देश को और देश की जनता को और बिहार को और बिहार राज्य को आदरणीय लालू यादव जी ने, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। देश के संविधान के साथ जो उनकी आशंका थी, हमारी पार्टी की आशंका थी, कहीं ना कहीं उसकी आज शुरुआत हो गई और आज बहुत ही दुखद दिन है।